क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आल्सो वेरीफाई बाय एक्चुअल डिवीजन। अब हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन का, है ना, और वेरीफाई करना है एक्चुअल डिवीजन के द्वारा, ठीक है, कि दोनों, ठीक है, कि क्लोजेस्ट है या नहीं है, ठीक है, नियरेस्ट है या नहीं है दोनों एक दूसरे के, ठीक है, एस्टिमेट और एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो अब हम करेंगे, हमारे पास 184 का हम नियरेस्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 180 हमारा आ जाएगा। ओके, हम 8 का नियरेस्ट करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब हम एस्टिमेट हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एस्टिमेट हमारा ये वाला आया है 180 डिवाइडेड बाय 10, अब हम इनको इससे हमें डिवाइड करूंगी तो वी गेट 18, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 18 हमारा आ गया। अब मैं एक्चुअल डिवीजन करती हूँ, ठीक है, तो अब मेरा एक्चुअल हमारा जो मेरे को नंबर दिया हुआ है 184 मेरे को दिया है डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं इससे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आ जाता है 23। तो हेंस द एस्टिमेटेड जो मेरा जो है क्वेश्चन, ठीक है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज, देखिए, इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।